टेंस 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 जितना टाइट कर सके एंड रिलीज इट. कम अप टू योर थाइस. टेंस 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 जितना टाइट कर सके एंड रिलीज इट. कम अप टू योर थाइस. टेंस टेंस टाइट करिए एकदम और ढीला छोड़ दीजिए. लेट्स कम अप टू आवर अब्डोमेन. पेट वाला रीजन उसको टाइट कीजिए. टाइट टाइट टाइट. स्लीव इट. कम अप टू योर चेस्ट एंड योर शोल्डर्स. अपना पूरा टॉर्सो रीजन ऊपर का रीजन टाइट कीजिए. टेंस टेंस टेंस. रिलीज. लेट्स टेंस आवर आर्म्स. ट्विस्ट बना लीजिए एंड टेंस योर आर्म्स. टेंस टेंस टाइट. रिलीज. Your face, in fact, make a face. Tense, tense. Tighten your muscles of the face. And release it. Lastly, tense your back. Tense, tense, tense. Release. Take a deep breath in and breathe out. Open your eyes. You will feel a little relaxed and ready to absorb in all the lovely, beautiful knowledge we are going to gather today from this beautiful book. Good evening, one and all. Namaste. On behalf of PMC Gujarat, I welcome everyone to this evening session of book reading. The book we are reading is amazing. Again, ek se baat ek hum amazing books hi kar rahe. Good evening, sir. Good evening. Sabhi doston ka swagat hai. Hum one mind par reading ke liye puri tarah se taiyar hai. Jasveer ji ke is relaxation exercise se. रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अगर हम कर लेते हैं तो आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा फोकस से सुन पाते हैं. इसलिए जब भी आप वन माइंड बुक पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा दो मिनट अपने आप को शांत सहज बना लें. उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी ग्रैस्पिंग, आपकी मेमोरी, उसको जो आपने पढ़ा उसको याद रखना वो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा. हम चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं और आज नाइन्थ चैप्टर हम देखने वाले हैं. इस बुक में चार सेक्शन में बुक डिवाइडेड है. धीरे धीरे चीजें अब गहरी होते जा रही हैं. पहला जो सेक्शन था वो फैमिलियर होने के लिए था, ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वन माइंड. और अब जो है शुरू हो रहा है वर्किंग विद वन माइंड. Glimpse of one mind, पहले हम थोड़ा सा देखें, फिर उसके साथ काम करना, एक्सेस करना और काम करना. तो सेकंड सेक्शन का पहला चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर आज होने वाला है. और हमारे साथ सुप्रीत है जो इस सेशन को ले आगे लेके जाएगा. वेलकम. थैंक यू सुप्रीत अगेन. थैंक यू सर. मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है सर, आप देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन दिख रही है. हाँ जी, थैंक यू सर. तो जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अब हम वन माइंड के सेकंड पार्ट में वर्किंग विद द वन माइंड के बारे में जो सेकंड पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं. और अभी तक हमने
वन माइंड के बारे में जाना, जैसे सर ने कहा हम थोड़े फैमिलियर हुए, अब हम और भीतर उतरेंगे, अब हम समझेंगे वन माइंड की फंक्शनिंग को। तो ये जो चैप्टर है, 9th चैप्टर, माइंड बियॉन्ड ब्रेन, इसमें लैरी डॉसी ने जो कंफ्यूजन है माइंड और ब्रेन के बीच में, कि ज्यादातर लोग जो हैं वो आज भी माइंड और ब्रेन के बीच में कंफ्यूज हैं, वो सोचते हैं या तो माइंड और ब्रेन एक ही चीज है, या जो माइंड है ये रिसाइड करता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन का ही पार्ट है। तो इस चैप्टर की स्टार्ट दो बहुत ही सुंदर कोट्स के साथ हुई है, और इन कोट्स को अगर हम समझ लेंगे तो इस चैप्टर की नब्स को हम पकड़ लेंगे। तो पहला कोट है पॉल ब्रंटन का, द ब्रेन डज नॉट जेनरेट थॉट एनी मोर देन द वायर जेनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो पॉल ब्रंटन यहां कह रहे हैं कि दिमाग जो है वो विचारों को उत्पन्न नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे बिजली की तार जो है वो करंट को उत्पन्न नहीं करती, वो सिर्फ एक कंडक्टर है, वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसका संचालन करती है। पॉल ब्रंटन एक बहुत ही एनलाइटेंड मास्टर रहे हैं, इनके बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में पढ़ा था, दैट्स हाउ आई फाउंड आउट अबाउट हिम। इनकी एक बुक है सर्च इन सीक्रेट इंडिया, जिसका एक्सेप्ट इस मैगजीन में दिया हुआ था, जिसमें रमणा महर्षि के साथ जो उनकी मीटिंग रही, और इजिप्शियन पिरामिड गीजा के किंग्स चेंबर में जो इनका मेडिटेशन एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही फैसिनेटिंग लाइफ जर्नी रही है इनकी, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड आप लोगों को कि आप इसको जरूर एक बार इनके बारे में पढ़ें। तो इनका कोट है द ब्रेन डज नॉट जनरेट थॉट एनी मोर देन द वायर जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। और जो दूसरा कोट है वो है ह्यूस्टन स्मिथ का, द ब्रेन ब्रीथ्स माइंड लाइक द लंग्स ब्रीथ एयर। यहाँ पे ह्यूस्टन स्मिथ कह रहे हैं कि जैसे हमारे जो लंग्स हैं, जैसे जो हमारे फेफड़े हैं हवा को ब्रीथ करते हैं वो, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग मन को ब्रीथ करता है। कि फेफड़े जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है हवा के लिए, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन माइंड के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों कोट्स के बाद लैरी चैप्टर की शुरुआत में ये कहते हैं कि वन माइंड को लेके जो सबसे बड़ी आपत्ति अभी तक दर्ज की गई है वो ये है, वो ये एक डीप रूटेड मान्यता है कि दिमाग ही चेतना की उत्पत्ति करता है, कि जो ब्रेन है इसी से कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद लैरी कहते हैं कि ब्रेन जो है वो तो क्रेनियम तक ही सीमित रहता है, क्रेनियम यानी जो स्कल है हमारा, जो खोपड़ी जिसको हम कहते हैं। तो जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि ये जो क्रेनियम है इसकी प्रेमिस के भीतर तक, इसके अंदर तक ही ब्रेन सीमित रहता है। तो लैरी कहते हैं और अगर ब्रेन ही मन को प्रोड्यूस करता है या मन ही ब्रेन के अंदर ही रहता है, तो मन भी जो है वो इस क्रेनियम तक, इस स्कल तक ही सीमित रहता होगा। इसके बाद लैरी कार्ल लैशली जो कि एक अमेरिकन बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। कार्ल लैशली ने कई सारे चूहों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क देते थे, जैसे कि जो फूड बेस्ड ट्रीट्स होती हैं उनको ढूंढ निकालना वगैरह। तो चूहों को ऐसे स्पेसिफिक टास्क, जैसे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके कुछ टाइम बाद लैशली ने इन चूहों के दिमाग में कई लीजन्स क्रिएट करे, कई घाव किए, क्योंकि वो इन घाव, जो घाव उनके ब्रेन्स पे हुए हैं उसका, जो उन चूहों के बिहेवियर पे उसका असर पड़ता है उसको स्टडी करना चाहते थे। तो ऐसे कई सौ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे, बट उसके बावजूद लैशली एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं ढूंढ पाए कि जो ये रैट्स की जो बिहेवियर है, इन चूहों का जो बिहेवियर है ये ट्रीट्स को ढूंढ निकालना, इसकी मेमोरी उनके ब्रेन में कहां स्टोर्ड है वो इस चीज का पता नहीं लगा पाए। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूड किया कि मेमोरी किसी एक फिक्स्ड रीजन में सीमित नहीं है ब्रेन के, वो पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, जैसे आप ये ब्रेन देख पा रहे हैं अपने इमेज में स्लाइड पे, तो जो पिंक पार्ट है, जो एक्सटर्नल लेयर है, इस पूरी लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ट्राई ये किया कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से में, उन्हें लगा कि अगर मैं चोट करेंगे तो इससे शायद
चूहे जो हैं वो अपनी टास्क को भूल जाएं या उस पर कोई और फर्क पड़े, बट उन्होंने हर तरफ घाव करके देख लिया, बट इससे चूहों की उस मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो ये नहीं पता लगा पाए कि ब्रेन के किस हिस्से में मेमोरी स्टोर्ड है। तो लैरी कहते हैं इससे एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल कंक्लूजन हमें मिलता है, एक बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न करने वाला कंक्लूजन कि मेमोरी इज बोथ एवरीवेयर एंड नोवेयर इन पर्टिकुलर। मेमोरी जो है वो हर जगह व्याप्त है और कहीं भी नहीं है। ये इस रैट के ब्रेन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके बेसिस पे वो बताते हैं। तो लैरी कहते हैं कि लैशली और उनके जैसे कई और लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उससे तो ब्रेन की जरूरत पर ही सवाल उठ जाते हैं कि क्या हमें ब्रेन की वाकई में जरूरत भी है। तो यहां पे लैरी ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉर्बर की बात करते हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इज योर ब्रेन रियली नेसेसरी, क्या ब्रेन की वाकई में जरूरत है। इस आर्टिकल में जॉन लॉर्बर बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस की। तो हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन की कैविटीज में एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे स्पाइन और हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और जब ये कुछ अधिक मात्रा में ब्रेन की कैविटीज में जमा हो जाता है तो जैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं इस इमेज में, एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस के कई सौ पेशेंट्स का सीटी स्कैन किया जॉन लॉर्बर ने, और उन्होंने ये पाया कि उनमें से मेजॉरिटी लोगों का इंटेलेक्चुअल फंक्शन या तो नॉर्मल था या इवन अबव नॉर्मल पाया उन्होंने। तो अब इस आर्टिकल से तो एटलीस्ट कन्वेंशनल साइंस के जगत में खलबली सी मच गई, क्योंकि कन्वेंशनल साइंस के तहत आप ब्रेन के रोल को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सबने स्कूलों में पढ़ा, अपने स्कूल्स में पढ़ा कि कन्वेंशनल साइंस जो कहती है कि ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और अगर हम ब्रेन के रोल पर ही सवाल खड़ा कर देंगे तो हम कन्वेंशनल साइंस जो भी कुछ और कहती है उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। और अगर कन्वेंशनल साइंस से आप कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ पूछो तो वो कहते हैं कि वो भी ब्रेन की ही एक प्रॉपर्टी है जो ब्रेन से ही पैदा होती है, बस इससे ज्यादा डिटेल में कन्वेंशनल साइंस जो है वो हमें नहीं बता पाती। लैरी ये भी कहते हैं कि जितने भी फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट हुए, जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं जिन्होंने इस फील्ड में स्टडी करी, वो भी यही मानते हैं कि हमें इस बारे में, इस कॉन्शियसनेस की फील्ड में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लैरी ने यहाँ पे कुछ नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं न्यूरोसाइंस की फील्ड में उनके एग्जांपल्स भी दिए, और कैसे वो बहुत ही वेगली ही डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कॉन्शियसनेस को और उसकी प्रेजेंस को बॉडी में, कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, और ब्रेन का उससे एग्जैक्ट क्या रिलेशन है वो हमें पता नहीं चल पा रहा। तो ऐसे में लैरी डॉसी कहते हैं कि जब हम कॉन्शियसनेस को लेकर इतने ही अंधकार में हैं तो ये जो अजम्पशन बना हुआ है कि माइंड जो है वो ब्रेन तक ही सीमित रहता है, इस पर भी सवाल उठने चाहिए, हम इसको भी ऐसे नहीं ले सकते। तो इसके बाद एक थ्योरी पेश करते हैं लैरी, द ब्रेन एज अ रिसीवर ऑफ कॉन्शियसनेस। लैरी अब यहां पे ब्रेन और कॉन्शियसनेस के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझाने के लिए टीवी का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो टीवी पे वीडियोस या इमेजेस जो भी देखते हैं वो आपका टीवी खुद नहीं क्रिएट करता, वो सिर्फ एक रिसीवर है बेसिकली। तो जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि सैटेलाइट से या केबल के थ्रू वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके उनको एम्पलीफाई करके आपको दिखाता है, ठीक इसी तरह ब्रेन भी एक इंटरमीडियरी है, लैरी कहते हैं वो भी एक माध्यम है, मध्यस्थ है, जिसके थ्रू कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी में एंटर करती है या फ्लो करती है। यहां पे वो एक ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर फर्डिनेंड शिलर की बात कहते हैं, कि फर्डिनेंड शिलर ये कहते हैं, उनका एक कोट है, ब्रेन इज नॉट वॉट प्रोड्यूसेस कॉन्शियसनेस बट वॉट लिमिट्स इट, कि ब्रेन कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस नहीं करता,
उसे बस लिमिट करता है, उसे रेगुलेट करता है, या उसका जो फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने हिपोक्रेटिस का भी एग्जाम्पल दिया है कि 400 BC में, 400 BC में हिपोक्रेटिस ने अपने एसे जिसका टाइटल था ऑन द सीक्रेट डिजीज, उसमें ब्रेन को डिस्क्राइब किया एज द मैसेंजर टू कॉन्शियसनेस, कि ब्रेन एक मीडिएटर है या उसको एक तरीके का रेगुलेटर भी कह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने फर्डिनेंड स्मिथ का ये जो हमने कोट पढ़ा कि ब्रेन या मैटर इज नॉट व्हाट प्रोड्यूसेस कॉन्शियसनेस बट व्हाट लिमिट्स इट, और इस पे फर्डिनेंड आगे ये भी कहते हैं कि अगर किसी को कोई किसी तरीके का ब्रेन डैमेज हो जाए या ब्रेन का ट्रॉमा हो जाए तो उससे कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन पर फर्क पड़ता है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको समझने के लिए मैं आपको टीवी का जो एग्जांपल है उस पे वापस लेकर जाऊं, तो टीवी पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल है वो रिसीव कर रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है, बट अगर आपका जो रिसीवर है जो इसके हम एंटेना देख पा रहे हैं या टीवी की पिक्चर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे हम पिक्चर को क्लियरली नहीं देख पाते, बट इसमें जो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है उसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टीवी के उसको दिखाने की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। पीछे से जो पिक्चर है वो क्लियर ही आ रही है, वो साफ ही आ रही है, पर क्योंकि टीवी में गड़बड़ी हो गई है तो वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। ठीक इसी तरीके से फर्डिनांड कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इसको मैनिफेस्ट करने, कॉन्शियसनेस को जो हम मैनिफेस्टेशन है उसकी एबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो आगे लैरी कहते हैं कि जेम्स साइंस की एक बहुत पुरानी कहावत है उसको स्टेट करके कहते हैं, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, कि जो जरूरी नहीं कि कोई दो चीजें अगर आपस में रिलेटेड हैं या उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो वो दो चीजें आपस में एक दूसरे का कारण बन रही हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लैरी कहते हैं कि अगर जैसे हमेशा हमें पता है कि हमेशा दिन के बाद हमेशा रात ही आती है, कि हर दिन के बाद हमें पता है रात आएगी ही आएगी, तो हमें यहाँ पे दिन और रात का आपस में रिलेशन जो है वो तो पूरी तरह समझ में आ रहा है, पूरी तरह हम लोग साबित कर सकते हैं इससे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रात होने की जो वजह है वो भी दिन ही है, क्योंकि उसकी वजह कुछ और है। कोरिलेशन हमें 100% दिख रहा है, उसकी वजह जो है वो हम जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रहा होता है दिन और रात का कॉज। तो अब लैरी बात करते हैं एल्डस हक्सली की। एल्डस हक्सली एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे जो आप स्लाइड के राइट में देख पा रहे हैं उनकी फोटो। उन्होंने अपनी बुक डोर्स ऑफ परसेप्शन में इस बात का जिक्र किया कि सर्वाइवल को पॉसिबल करने के लिए माइंड एट लार्ज हैज टू बी फनल्ड थ्रू द वेल्व्स ऑफ द ब्रेन। तो वो कह रहे हैं कि इंसान की बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए वन माइंड या माइंड एट लार्ज, यहां इस बुक में माइंड कॉन्शियसनेस और वन माइंड या माइंड एट लार्ज ये इंटरचेंजेबली यूज हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यह अपनी बुक में एल्डस हक्सली कहते हैं कि बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए इस कॉन्शियसनेस को या इस माइंड एट लार्ज को फनल करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। और वो ये आगे ये भी कहते हैं कि सर्टेन इंडिविजुअल्स जैसे हम देख पा रहे हैं स्लाइड में हैव लर्न टू डिफाई दिस रिड्यूसिंग वेल्व फंक्शन, कि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के थ्रू, कुछ स्पेशल मेडिटेशन के थ्रू या हिप्नोसिस के थ्रू या ड्रग्स वगैरह के थ्रू इस ब्रेन के इस रिड्यूसिंग वेल्व फंक्शन को डिफाई करना भी थ्रू आउट द हिस्ट्री सीख लिया है। इसके बाद वो बात करते हैं पीटर फेनविक की, जो आप जिनकी फोटो लेफ्ट में देख पा रहे हैं, जो एक न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बुक द ट्रूथ इन द लाइट में 300 से ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट किया है। और इस बुक में फेनविक मेंशन करते हैं जिसको लैरी एक ट्रांसमिशन थ्योरी कहते हैं। और पीटर फेनविक कहते हैं कि इस ट्रांसमिशन थ्योरी के तहत कॉन्शियसनेस का जो सोर्स है वो ब्रेन के बाहर है और इस कॉन्शियसनेस के सोर्स से ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और ये जो कॉन्शियसनेस का सोर्स है, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये क्योंकि ब्रेन के बाहर है, क्योंकि एक्सटर्नल है, तो ये बॉडी और ब्रेन दोनों की डेथ को सर्वाइव कर जाता है।
और शायद यही एक वजह है कि जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से ब्रेन में स्टोर्ड नहीं है, ये प्रूव होती है इससे। और जो रीइनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, तभी जो हमारी पास्ट लाइव्स या जितना भी हमारा जो डेटा है पुराना, वो सब नॉन लोकल होने की वजह से वापस रिवाइव किया जा सकता है। इस चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड लैरी डॉसी कहते हैं कि इस ट्रांसमिशन थ्योरी से हम वन माइंड की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट था इस चैप्टर के एंड में, जिसमें कॉन्शियसनेस शरीर के बाहर है इसकी बात करी गई, तो इससे मुझे याद आया कि मैंने कुछ टाइम पहले एक किसी सेशन में ही एक भगवद गीता का श्लोक सुना था, जिसमें बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन करी हुई थी कि कॉन्शियसनेस बॉडी में कहां पर स्थित है। तो वो श्लोक भी मैंने इंक्लूड किया है, खत्म करने से पहले उसको जरूर मेंशन करना चाहूंगा। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं वयस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो यहां पे जो अविनाशी है वो कॉन्शियसनेस को कहा गया है, और उसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है येन सर्वमिदं ततम् कि दैट या कॉन्शियसनेस विच फ्लोज थ्रू द एंटायर बॉडी, कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका मैंने मेन जो भगवद गीता का ये चैप्टर 2:17 है इसका इंक्लूड करने का मेन मकसद यही था कि जो चीज वेस्टर्न साइंस को स्टडी करके लैरी डॉसी जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, वो हमारी भगवद गीता में जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें काफी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कॉन्शियसनेस किसी एक जगह बॉडी में स्थित नहीं है, इट एंगल्फ्स द एंटायर बॉडी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ही व्याप्त है। और जैसे एक कोट जो फर्डिनैंड स्मिथ का था कि मैटर, किसी भी टाइप का जो मैटर हो, चाहे पत्थर, पेड़, इंसान, वो कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस नहीं करते बट उसको रिसीव करके उसका फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने ये श्लोक इंक्लूड किया, ये बुक का पार्ट नहीं है। तो इसके साथ अब इसको एंड करते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही छोटा चैप्टर था बट हम इसके बारे में अब डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। और मुझे जैसे मुझे लगता है कि अगर 1% भी आपकी नॉलेज अगर बढ़ी होगी तो ये टॉक सफल रही। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। स्लाइड रहने देना जो कोई बात नहीं। चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें जो जो साइंटिस्ट आए हैं, जो जो वर्क आया है, इसको वहां तक पहुंचने में कई डिकेड लगे हैं। पीटर फेनविक 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर, 13 बुक है उनकी, द ट्रूथ इन द लाइट ये बुक का जिक्र डॉक्टर लैरी डॉसी ने किया है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस तो वैसे आप कई बार सुन चुके होंगे, अनिता मुरजानी, डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, डॉक्टर राजीव पाटी, डॉक्टर रेमन मोदी, कल भी पीएमसी गुजरात पे नाइट वाले सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया हो तो वहां पे भी जिक्र मैंने किया था। नीदरलैंड के कार्डियोलॉजिस्ट पिम वॉन लोमेल, वो भी 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल जर्नल में नियर डेथ एक्सपीरियंस पे आर्टिकल पब्लिश है। तो ये सब चीजें बहुत मेहनत के बाद यहां तक पहुंची है। बहुत आसानी से आपको YouTube पर, Zoom पर सुनने को मिल रहा है। वी आर इन गोल्डन एज, बेस्ट एज, कि हमारे पास इतनी आसानी से बात पहुंच जा रही है। अब जो हमने सुना है, जो हमने स्क्रीन पे खूबसूरत स्लाइड है, बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल स्लाइड बनाते हैं, फिर एक सेशन इस पे एक दिन कभी करना, हाउ टू मेक ब्यूटीफुल स्लाइड्स। जी सर। तो जो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उस पर हम जो एक लाइन है ना, हम सिर्फ एक लाइन पे मनन करते हुए हम एक पूरा दिन निकाल सकते हैं। अगर हमको वो बात समझ में आ जाती है, हम उसको उतार पाते हैं। कॉन्शियसनेस इज एक्सटर्नल टू द ब्रेन। इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में अभी कॉन्शियसनेस के बारे में ही बात नहीं हो रही है। ये सभी इन सारे प्रोग्राम सेशन करने का एक
पर्पस फोकस जो है कि आप कॉन्शियसनेस के बारे में सोचना बोलना शुरू करें। अभी सुकृत कॉन्शियसनेस ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, पीएमसी गुजरात की कॉन्शियसनेस पे हम सभी बैठकर सुन रहे हैं। डॉक्टर पीटर फिनविक का रिसर्च जो कई डिकेड के बाद यहां तक पहुंचा है, उस अंडरस्टैंडिंग को जो कॉन्शियसनेस है जिसको हिंदी में हम चेतना कहते हैं, वो मैटर स्थूल ब्रेन पर बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। हम अगर सिर्फ सोसाइटी में मेडिकल डॉक्टर्स की ही सुनते रहें, सिर्फ स्थूल के हिसाब से सोचें, हम सिर्फ ब्रेन को ज्यादा महत्व देते हैं। अभी चैट में सवाल किया कि मैं कहीं ब्रेन और माइंड में कंफ्यूज होते रहती हूँ। ब्रेन और माइंड में माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड स्थूल, माइंड एब्स्ट्रैक्ट है। और वैसे लैरी डॉसे माइंड और कॉन्शियसनेस को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कल्चर में देखें तो हम माइंड मन को कहते हैं, जिसके अंदर हमारे सोचने का थॉट का स्टोरेज हाउस है, थॉट्स के पैटर्न्स, बिलीफ पैटर्न्स। हमारे पास कॉन्शियसनेस माइंड से भी ज्यादा डीपर है। तो चेतना है वो स्थूल पर निर्भर नहीं करती है, ये बाहर की चीज है। तो ब्रेन को जब हम देखते हैं, ब्रेन को जब हम फोकस करते हैं, तो ब्रेन को ब्रेन की तरह देखिए कि वो एक कॉन्शियसनेस का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गैजेट है। ब्रेन इज रेगुलेटर ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके घर आप फैन यूज करते हैं, सभी के घर में फैन होगा, रेगुलेटर भी यूज करते होंगे ज्यादातर लोग। जो रेगुलेटर है आप समझिए कि वो ब्रेन ब्रेन है। जो रेगुलेटर से आप कम ज्यादा कर सकते हैं उसकी स्पीड को, तो ब्रेन का आप इसको बीटा में, अल्फा में, थीटा में, डेल्टा में अलग अलग शिफ्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। और ब्रेन वेव कितने ब्रेन वेव है, माइंड टू मैटर सुन के तो रट ही गया होगा। अरे और भी आसान है, आपके हाथ में कितनी उंगली है, पांच। अपने हाथ में गिन लीजिएगा। अब ये मत बोलिए कि वो गिनना पड़ेगा, मेरे हाथ में पांच उंगली है कि छह उंगली है, ऋतिक रोशन का डांस देख लिया तो छह उंगली लगने लग गई। पांच ब्रेन वेव है, पांच कॉन्शियसनेस का फेज है, और ब्रेन उसको रेगुलेट करता। अगर आप मंकी माइंड के लेवल पे हैं तो बीटा में है। सबसे एक नंबर समझिए आप फैन का, वो बीटा ब्रेन है। आप अल्फा पे ले जाएंगे तो समझिए कि वो दो नंबर हुआ। अपने फैन के जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, अपने रेगुलेटर के पास ले जाइए, फिजिकल कर लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। एक नंबर जो है वो बीटा है, दो नंबर करें तो वो अल्फा है। अल्फा में आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में ब्रिज बन जाता है। वो दो नंबर अल्फा है, तीन नंबर किए तब थीटा शुरू हुआ, आपको कुछ एनर्जी पता चलने लग गया, कुछ विजन होने लग गया, कभी कभार कोई सीन दिख गए, कोई बाबा जी दिख गए, कोई गुरु दिख गए, कोई स्पीड गाइड दिख गया, कोई एंजल के दर्शन हो गए। तीन नंबर थीटा है, चार नंबर डेल्टा है, असली बात तो चार नंबर से शुरू होती है। अगर हम थीटा में चले जाएं, तो हम जो एक बात आती है ना, नो जजमेंट, जजमेंट से बीटा में होता है। अल्फा में चले जाएंगे आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और थीटा में तो और भी कम हो जाएगी बात, यू विल नॉट थिंक अच्छा ऐसा है ओके। आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, जो भी आप मानते हैं, मान सकते हैं, वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगा।
एस्ट्रल वर्ल्ड में इसी सावधानी रखने की भी जरूरत है। तो सर क्या ये कह सकते हैं कि ये वाटर टैप की तरह है, जैसे जैसे हम लोग उतरते जाते हैं और जैसे मतलब हम लोग डेल्टा तक पहुंचे या एकदम एंड में गामा तक पहुंचे तो कॉन्शियसनेस का जो बहाव है वो बढ़ता जाता है, का जो फ्लो है वो बढ़ता जाता है? यस, बढ़ता जाता है। तो ब्रेन इज अ रेगुलेटर, ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का ज्यादा महत्व है। आप सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर सकते हैं, हार्डवेयर को बार बार अपडेट नहीं कर सकते। हार्डवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं, आज ही मेरे लैपटॉप SSD फाइल चेंज हुआ, तो अमॉन्ग ब्रेन एंड माइंड, माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। और माइंड में अगर माइंड और कॉन्शियसनेस को अलग अलग देख रहे हैं तो कॉन्शियसनेस अधिक महत्वपूर्ण। चार नंबर पे थीटा हुआ, अगर पांच नंबर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, चैट में लिख के, सॉरी गामा हो। अब ये मत बोलिएगा मेरे मेरे रिटर्न अच्छे हैं, तो आपकी रिटर्न रोशन वाली उंगली है आपके पास, ज्यादातर पांच ही होते। तो मतलब पीटर फेनविक जैसे और कोई डॉक्टर आएंगे फिर वो कुछ बताएंगे तो फिर देखेंगे, अभी तक तो पांच ही होते हैं, भविष्य में कुछ और निकल जाए तो अलग बात। कॉन्शियसनेस इज एक्सटर्नल, इसको जो और दूसरे एग्जांपल से बताते हैं, कोई वायर है तो वायर से इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, वायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ब्रेन कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ब्रेन जो है वो बस कॉन्शियसनेस को प्रकट कर रहा है। कभी ऐसा नहीं सोचना है जो हमारा हार्डकोर मेटलिस्टिक थिंकिंग हो गई है मेडिकल साइंस में और साथ ही साथ हमारे समाज में। एक जनरली ज्यादातर लोग किसी इंटेलेक्चुअल को, इन्फ्लुएंशियल को फॉलो करते हैं नोइंगली अननोइंगली, हम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर फेनविक को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर लैरी डॉसे को हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारे भी तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है कि आप मेडिटेशन में इन सही बातों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और डॉसन चर्च की बुक में तो हमने देखा, जब वो एंड्रयू न्यूबर्ग के बुक का जिक्र कर रहे हैं, ब्रेन का जब रेस्ट में था तब DMN ज्यादा एक्टिव था। इट्स सो इंटरेस्टिंग, ब्रेन और कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है, कॉन्शियसनेस ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फोकस रखें, ब्रेन बस उसका एक स्थूल रेगुलेटर है, वो कॉन्शियसनेस को जनरेट नहीं कर रहा है। इसका इम्प्लीकेशन अगर हम अपने लाइफ में देखें, आगे के चैप्टर्स में आने वाला है, रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म का थोड़ा सा जिक्र किया सुमित ने, जब आप ब्रेन के रूप में नहीं थे, जब आप बॉडी के रूप में नहीं थे तब भी चेतना के रूप में आप थे, मृत्यु के बाद ब्रेन नहीं रहेगा, बॉडी नहीं रहेगी, तो भी कॉन्शियसनेस के रूप में आपका एग्जिस्टेंस जारी रहेगा। उसी बात को हम समझ लें तो फिर मृत्यु आपके लिए एक जस्ट चेंज ऑफ फेज है, जैसे आप फैन का रेगुलेटर चेंज कर रहे हैं, पांच से ज्यादा करने की कोशिश करें तो टूट जाएगा, वैसे ही आपका ब्रेन टूट गया, बॉडी टूट गई, अब चेतना आजाद हो गई, अब रेगुलेट नहीं कर सकते, शरीर टूटा, घट 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 फूटा, घड़ा फूट गया तो घड़े घड़े के भीतर का जो आकाश था और बाहर का आकाश था वो मिलके एक हो गया, फिर आई कॉन्शियसनेस और यू कॉन्शियसनेस नहीं बचता। तो वननेस, ज्यादा रिलाइज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आउट ऑफ बॉडी आफ्टर द डेथ। लेकिन अगर हम समझदार हैं, अगर हम
डेल्टा स्टेट में डायरेक्ट एक्सेस हम इंटर कर जाते हैं। तो हमको यह जो वन माइंड का कंसेप्ट है ये हमें डायरेक्ट पता चल सकता है। वन माइंड इज द ट्रूथ ऑफ डेल्टा स्टेट। सेपरेशन ऑफ माइंड इज कंसेप्ट ऑफ बीटा ब्रेन। और इस ये हमारी जो दुनिया है वो विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आप बीटा वालों को सुनने के लिए जाएंगे तो ब्रेन की बातें भी बहुत सारी मिलेंगी। बहुत डिबेट होता है दुनिया में इंटरनेट पे। बीटा वालों से आप डिबेट करने बैठेंगे, अगर आप बहुत सुलझे हुए नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे। इसलिए डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहिए, सीधा नमस्कार करना चाहिए, ठीक है आपका आपकी जो समझ है, मेरा जो अनुभव है, आई एम एंजॉइंग, इफ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ कंटिन्यू। आपकी मस्ती को देखकर, खुमारी को देखकर उसे कुछ हो जाएगा, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है, क्या बंदे को क्या मिल गया। जब वो सुनना चाहे, जानना चाहे तो आप बोले, डिबेट में कभी ना पड़े। गुड स्पिरिचुअल पीपल नेवर डू डिबेट। साइंटिस्ट भी डिबेट नहीं करते। जो प्रॉपर साइंटिस्ट होते हैं वो भी डिबेट में नहीं जाते। पीटर फेनविक का लगाना इमेज, आज की जो स्टोरी हमने देखी है इसमें डॉक्टर लैरी रॉस से कई साइंटिस्ट का जिक्र इसमें ला रहे हैं। आज की स्टोरी में ये पीटर फेनविक इंग्लैंड के, ब्रिटेन के ये हैं, ही इज स्टिल अलाइव। ऐसा लोग, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में सब अच्छे लोग चले गए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर फेनविक का अभी वो हर महीने हर फ्रिक्वेंटली अपने यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं अपनी टॉक अपने। अगर आपका इंटरेस्ट है आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। झेन झेन पे कुआ, वो पहेलियां कविताएं, वो उस पर लास्ट अपलोड है उनका। झेन स्पिरिचुअलिटी में एक ट्रेडिशन है जो बस मस्ती में जीते हैं, उनमें सहजता सरलता ज्यादा होती है। झेन में झेन भी बोलते हैं, जेन भी बोलते हैं, जेड ई एन। बुद्धिज्म और ताओइज्म के मिक्सचर से वो निकला है। बुद्धिज्म बुद्धा का, ताओइज्म लाओत्ज़ू का। तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत फील्ड है। कभी उस झेन को भी हम चिंतन मनन कर सकते हैं जैसे अभी हम वन माइंड को कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा महासागर है। जो हम वन कॉन्शियसनेस हैं, यू आर सो ह्यूज, अनंत हैं आप। तो ये ऐसी एक्सप्लोरेशन का, जर्नी का फील्ड है कि आप इसमें बस आ गए, अब आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एक के बाद एक से एक हीरे मोती आते जाएंगे। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, लैरी डॉसे फिजिकली अलाइव हैं, पीटर फेनविक है, डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर है। संडे को 5:30 बजे आप ट्यून करें डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर को सुनने के लिए, जो इंग्लिश समझ सकते हैं। वैसे उनके उनकी बुक पर सेशन फिल्म से गुजरात पे थोड़े हुआ है, लेकिन वो टॉपिक बहुत बड़ा है तो और होगा। बीटा पीपल डू डिबेट। स्पिरिचुअल पीपल तो लव करते हैं, उनके भीतर तो प्रेम बरसता है। बुद्ध और अंगुलीमाल, अंगुलीमाल सीरियल किलर भी है तो भी बुद्ध जाते हैं क्योंकि उनके भीतर प्रेम बह रहा है। साइंटिस्ट पीपल, जो एक अच्छा साइंटिस्ट भी होता है ना, वो डिबेट में नहीं जाते। साइंटिस्ट, साइंस नेवर ट्राइज टू प्रूव। ए ट्रू साइंटिस्ट डोंट ट्राई टू प्रूव, ही जस्ट सो हिज ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या फाइंडिंग मिली। अगर स्पिरिचुअल वाला क्वालिटी आप नहीं ला सकते कि प्रेम आप बहा सकें, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको प्रेम दे सकें, तो हम साइंटिस्ट वाला ला सकते हैं। अपनी बातें रखना और बोलना, कोई प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है।
हम जब समाज में जी रहे होते हैं, कहीं पे भी कुछ ऐसी बात हो जाती है, हमारे कंसेप्ट के अनुसार कोई बोलता है, तो फिर बहुत बार हमको लगता है कि यार मैं इसको कैसा कैसा जवाब दूं कि वो चुप हो जाए। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, यह सोच आपके बीटा स्टेट से आ रही है, बीटा ब्रेन से। जस्ट आप जो हैं उसके बारे में अपनी बात रखें, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत लंबा भी खींचने की जरूरत नहीं है। जिसको समझना है, जो अल्फा में है वो समझ सकता है, बीटा वाले नहीं समझ सकते। बीटा वाला कभी अल्फा में आ गया, कभी दिला, आपने कोई उसको ऐसी बात बोल दी जिसका एग्जैक्ट जवाब उसको नहीं पता, तो कभी वो उसके मन में बात घूमेगी और फिर वो पकड़ लेगी। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, मूवी देखी है ना, किसने नहीं देखी है? सर मैंने उसके बारे में पढ़ा है, बट क्यों आपसे सुना था उसके बाद पढ़ा था उसके बारे में, बट अभी देखी नहीं है। नहीं तो सुकृत देखना जरूरी है। ठीक है सर, मैं देखूंगा। इतनी सारी उस मूवी में कई सारी बातें कंसेप्ट उसमें है। अभी ये जो मैं चीज बात मेंशन करने वाला हूं, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, एक बूढ़ा आदमी है, वो उसको अपने बुलाता है अपने घर कि मेरे परिवार वालों को बचा लो, मेरे परिवार वालों को समझा दो। कई साल पहले वो बंदा मिला था, लेकिन तब उसने उसकी बात नहीं मानी थी, तब तो वो डिबेट करता हुआ झगड़ता हुआ निकल गया था। लेकिन जब वो बिस्तर पे है, लास्ट टाइम है, वैसे वो अल्टरनेटिव हीलर भी है मेन कैरेक्टर, तो वो हीलिंग से बेटर भी हो जाता है, तब उसको रिलाइज होता है कि आई एम डूइंग ब्लंडर। बीटा ब्रेन वाले, मेटलिस्टिक सोच वाले अभी तो भाग दौड़ कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन जिंदगी के किसी मुकाम पे उन्हें समझ में आता है, अगर सिर्फ हम स्थूल स्थूल कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, नेम फेम मनी सोशल प्रेस्टीज, तो देर सवेर उनको अपना मिस्टेक समझ में आता है। आपको डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी बातें एक साइंटिस्ट की तरह बस सामने रखिए। और भीतर अगर हार्ट कोहेरेंस थोड़ा सा आ गया है, हार्ट कोहेरेंस पे हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं, अगर आपने सीख लिया है तो हार्ट कोहेरेंस उस टाइम प्रैक्टिस कीजिए। गिव सम लव वाइब्रेशन फ्रॉम योर हार्ट टू देयर हार्ट। आप एक छोटे बच्चे को खींचकर पीएचडी में नहीं पहुंचा सकते, इवोल्यूशन टेक्स टाइम। बस आप अपने तरफ से बीज बो दीजिए, अपने तरफ से बातें कह दीजिए, तो छोड़ दीजिए, जब समय आएगा तो उसका प्रभाव दिखेगा। हो सकता है किसी को इस लाइफ टाइम में आए, हो सकता है किसी को अधिक लाइफ टाइम में लगे, ठीक है, जल्दीबाजी क्या है। पत्री जी इसको ऐसा करते हैं, अगर सभी लोग इसी लाइफ में इनलाइटेंड हो जाएंगे तो मेरे बाद जो आएगा मास्टर वो क्या करे। अगर सभी लोग इसी टाइम लाइफ टाइम इनलाइटेंड हो जाएंगे, कुछ काम भविष्य के मास्टर के लिए रहने दो, इसलिए सबको सब पकड़ने से कोई जरूरी नहीं है। खैर ये एक फन है, एक व्यंग है। हम ज्यादा सीरियस नहीं हो, माइंड इज मच मोर देन ब्रेन। माइंड के बारे में बात बहुत कम हो रही है, जितने ब्रेन के बारे में साइंस में बात हो रही है उतना माइंड के बारे में बात नहीं हो रही। कुछ साइकोलॉजिस्ट बस बात करते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो तो बस ब्रेन की बात करते रहते हैं, ब्रेन से ज्यादा हमें माइंड में फोकस करना है और माइंड से भी ज्यादा कॉन्शियसनेस पे करना। जैसे लैरी डॉर्सी बहुत जगह माइंड और कॉन्शियसनेस को एक साथ एक पूरक के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम माइंड को बिलीफ पैटर्न, थॉट पैटर्न की तरह देखें, सिक्स सेंस, ईएसपी की तरह देखें,
तो कॉन्शियसनेस इज इवन डीपर। कॉन्शियसनेस में भी, बल्कि जब हम आत्मा के तल पे और ब्रह्म के तल पे, हम उसमें भी अलग अलग कर सकते हैं। मन तो हमारा कंडीशनिंग है, इस लाइफ की कंडीशनिंग और प्रीवियस लाइफ की कंडीशनिंग जो हमने सीखा है। आत्मा के तल पे भी परमात्मा हो जाएगा, प्रज्ञात्मा हायर सेल्फ हो जाएगा, सर्वात्मा ऑल दैट इज हो जाएगा। हम हमारे कल्चर में तो और ज्यादा रिफाइनमेंट है, लेकिन हमें साइंस का लैंग्वेज समझने के लिए लैरी डॉ से चाहिए। इनफैक्ट हमें सब कुछ आना चाहिए। अगर वास्तव में अगर हमने समझा है पतंजलि को, वेद व्यास को, तो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान है। नहीं समझा है तो मुश्किल लगता है। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं ना, ये अंग्रेज लोग, इनको क्या पढ़ना। नहीं, लोगों ने जितना आप तपाया है रिसर्च करने के लिए, डॉक्टर फेनविक ने, और डॉक्टर फेनविक और उनकी वाइफ ने मिलकर 350 लोगों का एक एक करके इंटरव्यू लिया जिनको ऐसा डेथ एक्सपीरियंस हुआ अदर साइड का, उनके फाइंडिंग को नोट किया, उसमें क्या कॉमन पैटर्न है। 18% नहीं तो 10-20% के बीच में जो लोग जिंदा बच जाते हैं हार्ट अटैक के बाद भी। हार्ट अटैक के बाद 100% लोग नहीं मरते। मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, और जितना अवेयरनेस आता जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। अभी तक जितना लोग बच जाते हैं हार्ट अटैक के बाद, उसमें से 20% लोग, 18% लोग को अदर साइड का एक्सपीरियंस हो जाता है। और अदर साइड का जो एक्सपीरियंस है, उसमें एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स है जिसके सामने हम लाइफ रिव्यू करते हैं। 12-13% को वो भी लाइफ रिव्यू का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे मेन बात वो है, पीक अदर साइड के में। अब जो ये चीजें हो रही हैं, अब जो साइंटिस्ट हैं, पीटर फेनविक है, या इस चैप्टर में नहीं है लेकिन अगर आपने याद हो, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के में जो एक डिपार्टमेंट है DOPS, डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज, वहां पे कई सारे डॉक्टर, खासकर डॉक्टर ब्रूस ग्रेशन और डॉक्टर जिम टकर, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ये पास्ट लाइफ मेमोरीज पे। डॉक्टर जिम टकर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं, तो बच्चों पे उन्होंने ज्यादा किया है। तो स्टडी करने का पर्पस ये होता है कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये चीजें हो रही हैं। मैकेनिज्म एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं है। अभी डॉक्टर फेनविक ने जो कहा कि ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जो पहले जो मेन स्ट्रीम का साइंस मॉडल है उससे तो बेहतर है ट्रांसमिशन का कंसेप्ट। क्या लिमिटेड, लिमिट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, रूल आउट किया। पीटर, अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस का, पीटर फेनविक का पढ़ना इसलिए जरूरी है, इसमें नियर डेथ के एक्सपीरियंस जो है, ड्रग का इफेक्ट, ऑक्सीजन लेवल कम होने का इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट, इंडोरफिन न्यूरोट्रांसमीटर, 7 न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र आया था माइंड टू मैटर में, उसमें इंडोरफिन एक है। ऐसे किसी न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल के चेंज होने का इफेक्ट नहीं है ये, उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया पीटर फेनविक ने। सुनी सुनाई बातें बोलने में बोल देंगे कि हाँ, अरे ब्रेन में वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का वो झोलमाल हो जाता है, इसलिए ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिखने लग जाता है। अगर आप किसी मेडिकल डॉक्टर से बात करने जाएंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस का, तो ऐसे ही बोल के आपको बरगला देगा। तो आप उनको डॉक्टर पीटर फेनविक का वर्क दिखाइए कि नहीं, वो रूल आउट हो चुका है, उसका इफेक्ट नहीं है। पर सर, जैसे इनके इतने सारे हमारे पास एविडेंस मौजूद है, जैसे द ट्रूथ इन द लाइट इज बुक में भी 350 लोगों का उन्होंने वो करा है, इतना एविडेंस बेस्ड है हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो भी कन्वेंशनल साइंस
अभी तक मतलब इसकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानती है, ऐसा क्यों है कि कॉन्शियसनेस वो जो है उसको सिर्फ मेमोरी कह के या उसको सिर्फ एक ब्रेन की प्रॉपर्टी कह के वो करती है, जबकि कोई नई बात नहीं है, जितने एविडेंस जो हमें आया है कितने पिछले 100 साल में कितना काम हो चुका है इसमें, तो भी कन्वेंशनल साइंस इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? देखो यहाँ पे बंधु ऐसा बात तुम्हें सोचना है समझना है, तुम्हारे घर में जो तुम सोचते मानते हो क्या तुम्हारे पेरेंट और तुम्हारे दूसरे फैमिली मेंबर्स भी मानते हैं? डिट्टो मानते हैं क्या? नहीं सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमको लगा साइंस वाले, लेकिन उन साइंटिफिक कम्युनिटी में जाएंगे, अरे मृत्यु क्या होती है, व्हाट टू हाउ टू डिफाइन द डेथ, इस पर कंक्लूजन नहीं है, एक सिंगल फाइंडिंग नहीं है भाई। हार्ट रुक जाता है तब मृत्यु बोले, ब्रेन रुक जाता है तब मृत्यु बोले। डॉक्टर सैम पार्निया का वर्क है इस पर, तो इसलिए क्लिनिकल डेथ, ब्रेन डेथ ऐसा अलग अलग टर्म है, डेथ एक नहीं है मेडिकल में। हम ले मैन के लिए डेथ एक जैसा हम बोल देते हैं, और हम जो डॉक्टर बोल दे हम उसको मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। अनिता मुरजानी 30 घंटे के बाद वापस आ गई, इवेन अलेक्जेंडर 8 दिन के बाद वापस आ गया, डॉन पाइपर का एक्सीडेंट हो गया था, उतना इसका उसका बॉडी इतना खराब हो गया कि वो तो एक्सीडेंट वो चला रहा था 4-व्हीलर, अब इसके बचने को संभालो तो है ही नहीं, बिल्कुल गया, वो धस गया है, बॉडी वो कोई स्कोप नहीं है उसने का। उसका फ्रेंड जीसस को प्रे कर रहा है, फिर देखता है कि उधर से भी आवाज आ रही, तब उसको बचाया, नहीं तो उसको तो बचाते ही नहीं। अपेरेंट डेथ इज नॉट डेथ, हमें ये भी समझना है, बहुत बार बातें ऐसी हो जाती हैं, आपने ऐसा सुना भी होगा, वो थोड़ा सा ले जा रहे थे उसको जलाने के लिए और बंदा वो बैठ गया yes, ऐसा भी सुना होगा किसी ने, तो होता है। तो कोई एरोगेंट लगे हमें एरोगेंट नहीं बनना। गांधी जी की बात हम याद रखें, हिंसा जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता, एरोगेंस का जवाब एरोगेंस से नहीं दिया जा सकता। हम बस अपना अनुभव और अपनी बातें रखें, मेन तो अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, डेल्टा स्टेट का एक्सपीरियंस, आपको ध्यान में थीटा में डेल्टा में गामा में क्या एक्सपीरियंस हुआ है, जो हुआ है वो बस बोलिए। मैंने अपने पिछले 5 जन्म देखे, अब किसी को मानना है पास्ट लाइफ मानो मत मानो, मैंने देखे, मेरा ये एक्सपीरियंस है। पर सर समाज तो कन्वेंशनल साइंस को ही मानता है, और कन्वेंशनल साइंस इस चीज को मानेगी नहीं, तो फिर आपको मतलब बेसिकली अगर हम किसी से ये बात करेंगे तो वो लेजिटिमेसी नहीं आएगी कि मतलब अभी तक, क्योंकि साइंस इसको नहीं मानती कि आप अपनी पास्ट लाइफ को दे सकते हैं या रीइंकार्नेशन नाम की कोई चीज भी है। तो आप अगर ये चीज स्प्रेड करना चाहें, ये नॉलेज अगर आपके पास है और हमें पता है कि ये सच है और आप इसको स्प्रेड करना चाहें, बट मेजोरिटी लोग कन्वेंशनल साइंस को ही मानते हैं और वो अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाई है, तो वो इस चीज की एग्जिस्टेंस पे मानेंगे नहीं, आपकी बात को हंसी में उड़ा देंगे। तो ऐसे में फिर जैसे आपने कहा कि इसको स्प्रेड अगर करना चाहिए, तो फिर हम कैसे स्प्रेड कर पाएंगे जब हमें पता है कि मतलब हमें शायद कोई मानेगा नहीं इस बात को? इसीलिए तो साइंस की बुक्स है ना दोस्त, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर का जिक्र आया, तो डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर एक सबसे बड़े प्रूफ है, he returned after 8 days। अब कोई बोल दे डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर तो भाई विदेश का आदमी है, छोड़ो भाई इंडियन है, डॉक्टर राजीव पारती दिल्ली का ही बंदा है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वैसे कैलिफोर्निया से ट्रेवल है, दिल्ली आता जाता रहता है, अभी कोविड के पहले भी छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ, और ये एनेस्थेसिया का डॉक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जब आईसीयू में एनेस्थेसिया के डॉक्टर ही मैनेज करते हैं पेशेंट को, आईसीयू इज अंडर कंट्रोल ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, वो दुनिया देखकर आया है, उसे किताब पढ़ सकते हैं, उसका जान ले सकते हैं, तो साइंस जो मानते हैं उनके लिए ये अवेलेबल है।
हमारे कल्चर में तो ऐसी स्टोरी बहुत सारी हैं। तो बस ये बातें कह देनी है और उसके बाद अपने अल्फा स्टेट में मस्त जाना, उसको खुद को बॉदर नहीं करने देना कि उसके बाद वो माने चाहे ना माने। हाँ, मानेगा तो आ जाओ साथ में, हमारे साथ आओ अल्फा में, एंजॉय करो, गाना बजाना, झूमना, डांस करना, सेलिब्रेट करना लाइफ को, अल्फा ही सेलिब्रेशन। डॉक्टर इवेन लेगजेंडर को जब कोमा का एक्सपीरियंस होके वो वापस आ गए अदर साइड की दुनिया को एक्सपीरियंस करने के बाद, फिर वो उनको रियलाइज हुआ कि चूंकि वो न्यूरोसर्जन थे तो उनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते रहते थे। लाइफ में मुझे कितने लोगों ने ये बात बोली लेकिन वो उसको इग्नोर करते थे, वो सीधे हाँ ठीक है ठीक है, सो ओके ओके, ये गोली खाओ, टैबलेट खाओ, ठीक हो जाओगे। Forgive them, they don't know what they are doing. Last sentence of Jesus. तो forgive भी तो तब करना जब गुस्सा आए, गुस्सा भी नहीं करते हम, अपनी मस्ती में रहते हैं। गुस्सा भी आ रहा है तो वो बीटा का लक्षण है, बस अपनी बात कहें और मस्त रहें। मुझे लगता है सर ये एक्सपीरियंसेस डॉक्टर्स को या कन्वेंशनल साइंटिस्ट जो है उनके साथ होना बहुत जरूरी, जैसे इवन अलेक्जेंडर के साथ हुए। हाँ। तो क्योंकि वो लोग खुद वो चीज स्टडी करके फिर उसको खुद कॉन्ट्राडिक्ट करके करेंगे तो लोग फिर भी सीरियसली सुनेंगे। हाँ ये बात तो है, इसलिए जो सोसाइटी में जो सोसाइटी के डायरेक्शन को जो एक तरह से डिक्टेट करते हैं उन लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, डॉक्टर राजीव पाटी जैसे लोगों को। अब एनेस्थेसिया में एनेस्थेसिया वाले कह देंगे कि कीटामाइन के इंजेक्शन से, ये कीटामाइन एक ड्रग होता है, उससे कभी कभी हेलुसिनेशन हो जाता है। तो डॉक्टर राजीव पाटी ने अपनी तरफ से वेरीफाई किया कि कीटामाइन का इंजेक्शन दिया गया था उसको, नहीं दिया गया था, हो गया रूल आउट, ड्रग का इफेक्ट नहीं है उसका जो है। ऐसे उनको तो वो बात पिक्चर क्लियर है फिर भी ही वेरीफाइड, 8 मिनट के लिए उनका हार्ट टूटा हुआ था, क्लिनिकली डेड। राजीव पाटी 8 मिनट के लिए उनका हार्ट स्टॉप हुआ था। अमिताभ मुरजानी, डॉक्टर इवेन लेगजेंडर, इवेन लेगजेंडर केस सबसे अधिक पावरफुल है, 8 दिन का कोमा, वो सबसे ज्यादा टिपिकल केस है, और उसके बाद अमिताभ मुरजानी। तो मृत्यु को मृत्यु ना समझें, चेतना की मृत्यु नहीं है, चेतना मेन है, कॉन्शियसनेस इज मेन, जो ब्रेन है वो तो रेगुलेटर है, ब्रेन डेड हो रहा है, ब्रेन डेड, ब्रेन डैमेज हो गया कोमा में है इवन एजेंडर का, लेकिन फिर भी उसको सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मतलब विदाउट ब्रेन भी एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस के लिए ब्रेन का होना जरूरी नहीं है। अब इस बात को थोड़ा उस न्यूरो वाले मेडिकल वाले हजम नहीं कर पाएंगे, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है उनके लिए तो, उनकी तो जैसे जो सर जैसे दुनिया ही हिल जाएगी ये चीज बोलना कि ब्रेन के बिना भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आप किसी डॉक्टर को जानते हैं तो डॉक्टर इवेन लेगजेंडर की बुक उनको गिफ्ट कीजिए, प्रूफ ऑफ हेवन, अगर उन्होंने खोल लिए तो फिर वो उनका ब्रेन खुल जाएगा। सर आई हैव अ डाउट, एक छोटा सा, आई डोंट नो व्हेदर इट्स डायरेक्टली नॉट विद दिस चैप्टर, ये हम वर्ड यूज करते हैं हायर कॉन्शियसनेस, दैट हम अब कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू आवर हायर कॉन्शियसनेस। आई हैव टू थिंग्स जिसको मैं कनेक्ट करती हूँ यहाँ पे, वन इज हायर कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं आफ्टर डेथ हमारा कॉजल बॉडी में एवरीथिंग इज स्टोर्ड फॉर ऑल आवर पास्ट लाइव्स, द एंटायर जिसको कहते हैं रिजर्वॉयर है वो हमारे सारे लाइव्स के आर डूइंग्स आर कर्मास, इज दैट
the higher consciousness or and when we come back in reincarnation hum ek chota sa part aate hai usme se 10% ya 20% and the rest 80% stays there are we trying to connect there or ye one mind wala jisme hum sabhi ki consciousness ko one big keh rahe hain ki higher consciousness hai jisko log god bhi keh sakte hain ya super consciousness keh sakte hain ya something like that is that the higher whom are we trying to connect with our own higher consciousness और विद द वन माइंड हायर कॉन्शियसनेस लाइक बहुत अच्छी बात है आपका सवाल बहुत अच्छा है एक डीप डीप पटनिंग क्वेश्चन है यस लेकिन यहां पे बात एक समझनी है कि अगर हम किसी स्टैंडर्ड में हैं 10th स्टैंडर्ड में हैं 12th स्टैंडर्ड में हैं हमको बस आगे जाना है दोनों ही हमारे लिए हेल्प करें चाहे हम अपनी पराचेतना से जुड़े या सर्वव्यापी ब्रह्म से जुड़े दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल अब इसमें आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस हो सकता है अपने पराचेतना अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना ही ज्यादा अच्छा आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ पहले आपको अपना पर्सनल पर्पस ऑफ लाइफ और उसके बाद फिर आपका जो सोल ग्रुप है आपका जो संघ है जीवात्मा लेवल पे उसका पर्पस ऑफ लाइफ समझना है So, जैसे आप हर टाइम कहते हैं कोई भी डाउट हम पूछते हैं आप कहते हैं आंखें बंद करिए एंड कनेक्ट टू योर सो दैट मींस ये जो हमारा रिजर्वायर है उसमें सारे एक्सपीरियंसेस हैव ऑल डिफरेंट लाइफ टाइम्स तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी गैदर्ड देयर इट्स लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से हमें आंसर्स मिल जाते हैं फिर मतलब जैसे कुछ हम आंखें बंद करते हैं देन वी मेडिटेट फॉर अ लॉन्गर बिट ऑफ टाइम तो हमें थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन होने लगती है वट एवर वी वर आस्किंग तो वहां से ही उसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको थोड़ा सा बच्चों की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि हमारे सारी कॉन्शियसनेस में हमारा हायर कॉन्शियसनेस में हमारी अपनी जो कॉजल बॉडी में है जिसका थोड़ा सा पार्ट हम दोबारा आते हैं अर्थ में लेसन सीखने के लिए तो वो लेसन सीख के हम सारा कुछ वहां पे स्टोर करते जा रहे हैं जो भी हम लेसन सीख चुके हैं एंड देन वी कीप लर्निंग फ्रॉम देयर अगेन एंड अगेन कुछ ऐसे कह सकते हैं हम लेमैन को अगर एक्सप्लेन करना हो थोड़ा सही है हम जो सीख रहे हैं वो हमारे कारण शरीर में कॉजल बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है यस और जब हम कारण शरीर की बात करें लाइफ लेसन की बात करें तो फिर विजडम बोलना चाहिए इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ विजडम राइट विजडम विजडम तो आकाशिक रिकॉर्ड न्यू एज में टर्म यूज किया जाता है आकाशा ये सब एक ही बात है ना आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड जो मैंने अभी बोला कॉजल बॉडी में सारा हमारा विजडम है स्टोर्ड ऑलमोस्ट एक ही बात अभी के लिए एक ही बात आकाशा लिटिल बिट मे बी लिटिल बिट हायर क्योंकि सर आकाशिक रिकॉर्ड्स तो शायद एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो गई जिसमें सबका वही हो गया ना वन सोल सोल माइंड जो हम अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अवर ओन हायर सेल्फ और वन माइंड हायर सेल्फ वन माइंड इज ऑफ द एंटायर प्लैनेट लाइक द एंटायर यूनिवर्स काइंड ऑफ तो हम मेडिटेशन में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट जब हम बोलते हैं सो तभी हम गॉड हुए ना वी आर कनेक्टिंग टू अवर ओन वी आर अ लिटिल बिट ऑफ दैट bigger higher consciousness jo hamara ye god word word na bahut bahut confusing word hai sir jo new log hote hain unko nahi samajh mein aati unko god ke sath compare karke hi bolna hai ki karna padta hai thoda sa I am more comfortable with my own higher consciousness but jaise kehte hain na synonyms dene hote hain to last mein mujhe god bhi main keh deti hu because then they get connected very fast ha iska matlab ye ki meditation mein we get connected तो इस चीज को समझने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने एक विजुअल इमेजरी जनरेट करने के लिए कि हमारे हम अपने एक हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं और सबके हायर कॉन्शियसनेस फिर एक साथ उस वन माइंड से कनेक्ट होते हैं तो तीन लेवल्स इसको ऐसे लेवल्स में समझ सकते हैं या फिर उन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए कि मतलब ये जो हायर हमारी हायर कॉन्शियसनेस और आकाशिक रिकॉर्ड जो वन माइंड जिसको हम कह रहे हैं उसके बाद वो लेवल है अल्टीमेट लेवल इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग वो चीज कह रहे हैं लेकिन फिर बात ऐसा है कि अगर हम अपनी पराचेतना हाईएस्ट सेल्फ लेवल पे जाग जाते हैं तो मामला और ज्यादा आसान हो जाता है
वो वन माइंड में आना इज इजियर, मतलब देन वो ऑटोमेटिकली आई थिंक फ्लो में आपका वो जो बैरियर है, दैट मेम्ब्रेन है व्हिच इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम द वन माइंड, वो अपने आप ही हटके वी विल डिसॉल्व इनटू इट, मर्ज इनटू इट दैट वे. यस सर. गरिमा जी का हैंड रेस है. चैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले गरिमा का क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर वीडियो ऑन करने कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन करके पूछिए, ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगी, इंटेंगलमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा आप उलझेंगे. मैं अनम्यूट करने का आपको भी प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, आप खुद से भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हेलो सर. हेलो सर, मैं ना अभी कुछ टाइम पहले ये बुक आपसे मैंने डिस्कस करी थी, तो इस बुक को भी मैं पढ़ रही थी. तो मैंने हमेशा ये बुक फर्स्ट टू फोर्थ, बिकॉज ये फोर चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये बुक, और मैंने इस टाइम क्या करा कि मैं हमेशा आप फोर सेक्शन में डिवाइडेड है. हाँ सर, चैप्टर 29 है, सेक्शंस में डिवाइडेड है. हाँ, सो इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है ग्रेस. तो उसमें ना एक बुक उसमें है, एक चैप्टर है जिसका वो है कि मिरेकल ऑफ अनकॉन्शियस. सो मिरेकल ऑफ द अनकॉन्शियस में उनने वन माइंड की बहुत बात करी है इस बुक में. तो इसमें यही दिया था, मैं अभी वही देख रही थी, अब मैंने वो पेज एक सेकेंड. तो अभी वो बाद में आगे तब देखेंगे ना, अभी क्यों, अभी तो हम 9th चैप्टर पे हैं, 9th चैप्टर में जो जाए वो हम डिस्कस करें. नहीं सर, जो हम नहीं आप जो अभी अनकॉन्शियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें यही था कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है उसमें यही था कि आप अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हो, जो हम अपने आप से उस ग्रोथ को रिलेट करते हैं. तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था इसमें कि आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है इज द कंटिन्यूस वर्क ऑफ ब्रिंगिंग वन कॉन्शियस सेल्फ कॉन्सेप्ट इनटू प्रोग्रेसिव ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस विद रियलिटी. तो इस बुक में भी सर ये बहुत, जब भी हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें बहुत आती है कि आप अपने आप से ही जितना रिलेट कर रहे हैं वो ही आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है. यस, ठीक है. लाइक हेवन, अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग है या एक ही है, अब ये बात पता नहीं है, अभी वहां तक काम नहीं पहुंचा. ठीक है, तो और कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस कोई सुनने को मिलेगा तो पता चलेगा. और हेवन से ज्यादा हम बेहतर हायर वर्ल्ड बोलें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर जो हमने सुना हुआ है कहानियों में हमारे पास वो स्वर्ग आ जाता है. कोई चित्रगुप्त बैठा होगा, कोई द्वारपाल होगा, आपके कर्मों का लेखा जो का आप पहुंचेंगे, आपका वो देखा जाएगा कि हाँ इसका अकाउंट में कितना है. और उसमें कोई समझदार होगा, जब वो देख रहा होगा तो उसका मोबाइल लेकर भाग जाएगा. ऐसे जोग आते हैं ना, पहुंचे स्वर्ग के दरवाजे, पहुंचे स्वर्ग के दरवाजा लेकर भागे. तो फिर जो ऐसा हेवन वर्ल्ड से हो सकता है, ऐसे क्योंकि कनेक्ट कर सके सोसाइटी से, इसलिए प्रूफ ऑफ हेवन लगा रखा टर्म. लेकिन अंदर जानेंगे तो फिर हेवन इज नॉट, इट इज हायर वर्ल्ड. बड़ी बड़ी बातें छोड़िए पूनम जी, इतना दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के एस्ट्रल मास्टर्स कौन हैं, इस दुनिया में कितने एस्ट्रल मास्टर्स हैं उसी का हिसाब किताब रखना मुश्किल है, आप दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का क्या रखेंगे. अरे इस दुनिया में कितनी आबादी है,
जितने भी लोग हैं सबके लिए स्पिरिट गाइड होंगे, सबके लिए एंजल्स होंगे, कितने एंजल्स हैं, कितने स्पिरिट गाइड्स हैं, कितने मास्टर्स हैं, कितनों का हिसाब किताब रखी हुआ, जिससे कनेक्टिविटी आपकी बनती है उनको, उनसे कनेक्ट बनिए, उनसे विस्टम लीजिए और बस दुनिया में सबका हिसाब किताब करने का ही ना, ये वो चित्रगुप्त को रहने दीजिए, के पास रहने दीजिए, या जो इंसाइक्लोपीडिया लिखे हैं उनके लिए छोड़ दीजिए। फिलोसफिकल क्वेश्चंस का अंत नहीं है, अगर आप इसे जाएंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। जी सर, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था कि हम इतना ज्यादा हम आफ्टर लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, मेरे को ना हमेशा नहीं, सॉरी, वी आर इंटरेस्टेड इन कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग आफ्टर लाइफ से हमारे ब्रेन को हिलाएगी वो, इसलिए हम आ रहे हैं। ए फॉर एप्पल, आप बोले कि एप्पल में वाई योर इंटरेस्ट इन एप्पल, एप्पल तो विदेशी फल है भाई, केला भारत का फल है, भारत बनाना की बात करो, केला की बात करो, अगर एप्पल की बात करोगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो ये आफ्टर लाइफ से शुरू हो रही है बात, वहां पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, इवेन अलेक्जेंडर कोमा में है और वो आउट ऑफ बॉडी होकर एक्सपीरियंस कर रहा है हायर वर्ल्ड को, तो वहां पे तुरंत पहचान है, फिर वो वापस आ गया, वो कहानी बता रहा। अभी इस चैप्टर में हम जब सेकंड वर्किंग विद द माइंड में हम कई सारे फिनोमेना को देखेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे और फिर जाने कि ये सब हम ही से इमर्ज हो रहा है। अगर हम जो जो क्वालिटीज आ रही हैं, जो जो इवेंट आ रहे हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं, उसमें से कोई भी हमारे साथ कभी भी घट सकता है, कोई भी कोई चीज हमारे साथ खुल सकती है। अगर हम नियर डेथ एक्सपीरियंस को प्रॉपर समझ लेते हैं, लाइफ रिव्यू का सेशन हम अगर हर दिन लाइफ रिव्यू कर रहे हैं अपना, हर दिन ना करें, महीने में चलिए एक बार कर लीजिए, तो जब एक्चुअल लाइफ रिव्यू होगा तो वहां पे आप ज्यादा बेहतर करेंगे ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उसके पहले मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं क्लासरूम में, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो। अभी सिस्टम नहीं है, ये अभी सिस्टम बन रहा है लाइफ रिव्यू वाला, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं बहुत सारे। मॉक टेस्ट बहुत सारे हुआ करेंगे, आप सीख जाएंगे, आप खुद से टेस्ट दिया करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, ज्यादा डांस करेंगे। यस सुनीता मैम, मैं ही कह रही हूँ सर, हम जैसे आपने भी कहा कि इन दिस वर्ल्ड वी आर इम्प्रूविंग, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहे एंड देन वी कनेक्ट विद द वन, दैट इज ऑल वी हैव टू डू, बाकी तो सारा ये लॉजिकल माइंड हम कर रहे हैं, हम इस वर्ल्ड पे जा रहे हैं, हम उस वर्ल्ड, तो दिस इज सिंपलर फॉर्म कि हम अपना कर्म करते जाएं इस व्हेन वी आर अलाइव, लाइक प्रिपेयर फॉर द एग्जाम व्हाट यू सेड एंड देन वी बस कनेक्ट विद वननेस। यस यस दैट इज ऑल, वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्यों कंफ्यूजन में लॉजिकल माइंड चलाएं कि हां हम नहीं, तो यहां पे देखिए ऐसी बात है ना सुनीता जी, दुनिया में हर वैरायटी के लोग हैं, है ना, तो किसको कौन सा मेथड सूट करेगा, इसीलिए लेडो से वैरायटी वैरायटी के केसेस उन्होंने जमा किए। अगर हमें बात सीधे समझ में आ गई है, कबीर का दोहा आपको आपको आपके लिए वो सूट कर रहा है, पोथी पोथी जग मुआ, ज्यादा पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, बात समझ में आ गई है, प्रेम में जियो, मस्त रहो, साधना करो, बस ठीक है बात, सबको सबकी जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया जो है ये बहुत वैरायटी का है, स्पिरिचुअलिटी में भी मॉल होता है ना, मॉल में जाते हैं बहुत सारी चीजें देखते हैं, हर चीज खरीदने के लिए नहीं होती है, आप देखिए सुनिए एंजॉय कीजिए, जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। तो फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम इन कौन से स्टेप पे हैं, ठीक है जो भी है, ठीक है बिल्कुल, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साधना चल रही है, लगातार आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं, क्या है जब डिटेल बात होती है ना तो जो बैरियर है वो उसके टूटने की संभावना ज्यादा है, जो आर्ग्यूमेंट है जब डिटेल में है तो फिर वो धराशायी हो जाएगा ना। अगर कम बातें हैं तो या तो है या नहीं है, अब कई सारे लोग बात कर रहे हैं तो फिर
लॉजिकल बैरियर जो है वो हट जाएगा. सोसाइटी बहुत बड़ी है, वैरायटी ऑफ लोग हैं, सब तरह की बातें चाहिए. माइंड पर ज्यादा फोकस करें,